यू डोंट नीड डायलिसिस, यू डोंट नीड किडनी ट्रांसप्लांट। ग्रैड सिस्टम की मदद से लगभग 70% डायलिसिस पेशेंट का पहले दिन ही डायलिसिस बंद हो सकता है। ग्रैड सिस्टम यानी कि ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस एंड टाइट सिस्टम, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है समझाने के लिए मैं उदाहरण लेता हूँ। याद कीजिए, आज से कुछ साल पहले बजाज चेतक टाइप के स्कूटर होते थे, जब पेट्रोल खत्म होने के बाद आप स्कूटर को थोड़ा हिलाते थे, टिल्ट करते थे, उसके बाद गाड़ी दोबारा स्टार्ट हो जाती थी। तो एक्चुअली पेट्रोल खत्म होने के बावजूद भी पेट्रोल टैंक में थोड़ा बहुत पेट्रोल रह ही जाता है, और वो पेट्रोल को ग्रेविटेशनल मैनिपुलेशन यानी कि टिल्ट करके आप इंजन तक आपने पहुंचा दिया, ताकि आप अपने डेस्टिनेशन तक या पेट्रोल पंप तक पहुंच जाएं। याद रखिए कि जब आपका किडनी पूरी तरह खराब हो चुका है, उसके बावजूद भी आपके किडनी में थोड़े बहुत नेफ्रॉन्स, किडनी सेल्स जिंदा रह ही जाते हैं, तभी आप जिंदा हैं। तो ग्रेट सिस्टम यानी कि ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस एंड डाइट सिस्टम से उन्हीं जिंदा नेफ्रॉन की मदद से आप अपने किडनी की फंक्शनिंग को इंस्टेंटली एक ही दिन में रीस्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि अपनी डायलिसिस की जरूरत को खत्म कर सकते हैं। ये कैसे काम होगा, कैसे आप कर सकेंगे, उसके लिए आप सिर्फ दो ही स्टेप याद रखिए। पहला स्टेप है हाइड्रोस्टेटिक काउंटर प्रेशर ऑन द बॉडी, और दूसरा स्टेप है पैसिव हीटिंग। ये दोनों चीज अगर आप कर देते हैं बॉडी के ऊपर, तो आपका किडनी रीस्टार्ट हो सकता है और किडनी सेल्फ डायलिसिस मोड में जा सकता है। हाउ टू अचीव दीज टू स्टेप्स, उसके लिए आपको सिर्फ एक बाथ टब खरीदना है जो कहीं से भी मिल जाएगा, और बाथ टब में आप पानी को भरना है, और आपको गले तक इसमें डूब के बैठना है, और उस पानी का टेम्परेचर लगभग 40 डिग्री हो। इस सिचुएशन में पहले 5 मिनट के अंदर ही बॉडी सेल्फ डायलिसिस मोड में आ जाती है, यानी कि मोर यूरिन आउटपुट, मोर सोडियम एक्सक्रीशन, मोर पोटेशियम एक्सक्रीशन, कुल मिला के बॉडी में डायलिसिस वाला इफेक्ट होता है, जो इफेक्ट आप एक्सपेक्ट करते हैं हॉस्पिटल में जाके डायलिसिस कराने से होता है, यानी कि आपकी जरूरत हॉस्पिटल जाने की एकदम बंद हो सकती है पहले दिन में ही। तो ये सारा कुछ आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा। इसको सीखने के लिए आप ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं, श्रीधर यूनिवर्सिटी का ट्रेनिंग, 2 महीने का ऑनलाइन कोर्स है, एंड दैट इज इमरजेंसी एंड पेन मैनेजमेंट ट्रेनिंग, और एक सर्टिफिकेशन कोर्स है। bishrup.com/epm में जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, और ये ट्रेनिंग करके अगर आप खुद पेशेंट है तो अपने आप को ठीक कर सकते हैं, इफ यू आर ए केयर गिवर तो आप किसी पेशेंट की मदद कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पेशेंट हैं और आप ट्रेनिंग नहीं लेना चाहते, सिर्फ अपने आप को ठीक करने से मतलब है, तो आप हमारे हॉस्पिटल में आ सकते हैं, एडमिट हो सकते हैं। हमारा हॉस्पिटल है चंडीगढ़ में डेरा बसी में, और हॉस्पिटल में एडमिट होके भी आप अपने आप को डायलिसिस मुक्त करने का रास्ता खोज सकते हैं, यानी कि आप ग्रेट सिस्टम को समझ सकते हैं और उसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चंडीगढ़ से दूर रहते हैं और अगर आप हॉस्पिटल नहीं आना चाहते, तो एक तीसरा तरीका है, वो ये कि आप bishrup.com/vopd में जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और अपनी मेडिकल रिपोर्ट वगैरह सबमिट कर सकते हैं। उसके बेसिस पे हम और हमारी टीम वर्चुअली आपको गाइड कर सकते हैं कि घर रहते हुए हमारी मदद से, हमारे गाइडेंस से, हमारे सपोर्ट सिस्टम से कैसे स्लोली एंड ग्रेजुअली यू कैन बी डायलिसिस फ्री। हमारे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो एक टाइम पे डायलिसिस पे जाते थे, लगभग रोज जाते थे, कोई हफ्ते में 2 बार जाता था, कोई हफ्ते में 1 बार जाता था, लेकिन आज वो सब के सब पूरी तरह से डायलिसिस फ्री हैं। आज वो सब के सब पूरी तरह से दवाइयां भी नहीं ले रहे हैं, दवाई फ्री भी वो हो चुके हैं। आगे इसी वीडियो में उनमें से कुछ पेशेंट्स के आप टेस्टिमोनियल देखेंगे। आई होप कि इस वीडियो के बाद आपके पास चॉइस है कि क्या आप अब भी हॉस्पिटल जाके रोज डायलिसिस कराना चाहते हैं, जबकि ये जो सिस्टम मैंने आपको बताया, इसमें हर बार हर दिन आप पहले से ज्यादा अच्छा फील करेंगे, रिवाइव होते जाएंगे, यानी कि रिवर्सिंग द किडनी फेलियर, रिवर्सिंग द किडनी डिजीज। तो खैर, उम्मीद करते हैं इस मेथड से हम देश को डायलिसिस मुक्त कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, थैंक यू। हेलो नमस्कार, मेरा नाम सुनीता है, मैं बेटा अजय किलोनी गाजियाबाद से हूँ, और मेरे किडनी में इन्फेक्शन हो गया था, डॉक्टर ने डायलिसिस के लिए बोल दिया था। पिछले महीने मेरी कौन सी तारीख हुई थी, 23 अगस्त, 23 अगस्त को मेरी 3 डायलिसिस हुई है, और डॉक्टर ने और भी आगे के लिए बोल दिया था, पर जब से मैं इन डॉक्टर के गाइडेंस में आई हूँ, मेरी डायलिसिस नहीं हुई है, और मैं बहुत अच्छा मुझे लग रहा है। 25 साल से मेरा बीपी हाई रहता था, अब मैं मेरा बीपी थोड़ा नॉर्मल हो गया है। 20 mg की गोली खाती थी, अब 5 mg की गोली में आ गई हूँ, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और डॉक्टर की गाइडेंस के अंदर जब से मैं आई हूँ, तो 2 थेरेपी भी लेती हूँ मैं, और जो कि 1 फुट पैर ऊपर करते हैं और सर नीचे करते हैं,
और 2 घंटे की थेरेपी वो है, और पानी के अंदर 2 घंटे पूरा देखना होता है, पानी में तैरना होता है। तो 2 घंटे मेरे को पानी वाली में करती हूँ और 2 घंटे पैर ऊपर करने वाली में करती हूँ। और खाने पीने का रूटीन इन्होंने थोड़ा सा चेंज करा तो मैं बिल्कुल बहुत आराम लग रहा है मुझे, ठीक हूँ। थैंक यू। मैं जब से आप लोग के अंडर में हूँ, आप लोग का डाइट ले रही हूँ, तब से मैंने कोई मेडिसिन नहीं लिया है। और मैंने लास्ट डायलिसिस 20 सितंबर को करवाया है, और अभी तक तो नहीं करवाई हूँ, और ना ही वैसा कुछ मुझे दिक्कत अभी तक लग रहा है। और दूसरी चीज़ की मेरा ये तबीयत 22 अगस्त को डिलीवरी हुआ था, बेबी हुई थी, उसके बाद 2-3 दिनों के बाद मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गया, प्लेटलेट्स डाउन था, मेरा यूरिन आउटपुट नहीं आ रहा था, मोशन नहीं आ रहा था। तो फिर मैं वहाँ से बनारस रेफर हुई, वहाँ मेरा 26 अगस्त 2020 को फर्स्ट डायलिसिस हुआ। उसके बाद मेरा कंटिन्यू वीकली 3 डायलिसिस चलता था, फिर धीरे धीरे करके मैं 2 डायलिसिस पर आई। और वहाँ की डॉक्टर, सिंगरौली की डॉक्टर जो बैढ़न की हैं, उन्होंने तो मेरा केस रितु पटेल ने बिगाड़ दिया था, वो तो देखने भी नहीं आई थी सीरियस कंडीशन में, ना ही फ़ोन उठा रही थी, ना उनकी सिस्टर को कोई मतलब था। और उसके बाद फिर वहाँ से जब मैं मैदानता गई, कुछ मैं रिकवर की थोड़ी बहुत, तो मैदानता के डॉक्टर ने हाथ उठा लिया, उन्होंने ट्रांसप्लांट के लिए कह दिया था। फिर भी मैं आई, फिर एक जगह का मुझे पता चला पटना में वैन ट्रीटमेंट, मैंने वो भी लिया 1 महीने, लेकिन उससे थोड़ा बहुत शायद फ़र्क पड़ा होगा, या मुझे तो लगता है हाँ या ना, नहीं कन्फर्म नहीं बता सकती हूँ। हाँ, लेकिन जब से आपका डाइट लेने लगी मैं, तब से ना मैं कोई मेडिसिन ले रही हूँ, और अभी मैं 20 को डायलिसिस करवाई हूँ, और अभी तक डायलिसिस नहीं करवाई हूँ। अब बाकी आप लोग भी मुझे डाइट दिए हैं, मैं वही डाइट खाती हूँ। मैं कोलकाता से लक्ष्मी चपलोत बोल रही हूँ। आपको क्या तकलीफ थी? मेरे को किडनी की प्रॉब्लम थी। क्या हो रहा था? वीक में 2 दिन डायलिसिस हो रहा था। कितने दिन से चल रहा था? 4 महीने से। कब से? दिसंबर से। उसके बाद आपको कैसा लगा, क्या करना चाहिए? बहुत वीक हो गई थी मैं, परेशान हो गई थी, 24 घंटे तक सोती रहती थी, उठ नहीं पाती थी, खाना भी नहीं खा पाती थी। इसके पहले डॉक्टर ने आपको क्या सजेस्ट किया था? वीक में 2 दिन डायलिसिस हो रहा था, उसके बाद डॉक्टर ने बोला 3 भी हो सकता है, किडनी ट्रांसप्लांट की बात भी की थी उन्होंने। और अगर ट्रांसप्लांट नहीं करवाएंगे तो क्या होगा? डायलिसिस चलेगा। अच्छा, तो उसके बाद आपने क्या क्या ट्राई किया था? सर का डाइट चालू किया। कब से चालू किया? 4 अप्रैल से चालू किया। अच्छा, तो आपको अब कैसा लग रहा है? अब बहुत अच्छा लग रहा है। आपका क्या तकलीफ दूर हुई आपकी उससे? डायलिसिस की तकलीफ दूर हो गई। अब कितने दिन से डायलिसिस नहीं हो रहा आपका? 2 महीने से। तो लास्ट डायलिसिस आपने कब करवाया था? 17 मई को। डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी के बारे में पता चला, उनकी डाइट के बारे में पता, DIP डाइट के बारे में पता चला, तो मैंने वो डाइट शुरू की। कब से शुरू की आपने? 3.5 महीना हो गया मेरे को करते हुए। क्या फायदा हो रहा आपको? फायदा मेरा ये हुआ कि डायलिसिस मेरा बंद हो गया, 2 महीना हो गया, और एनर्जी आ गई पूरी। सुबह 2.5 किलोमीटर में चलती हूँ, 40 मिनट प्राणायाम करती हूँ, योगा करती हूँ, घर पे आती हूँ, पूरा काम करती हूँ मैं। सुबह 5 बजे उठती हूँ। नींद कैसी आती है आपको? नींद मेरे को सोते ही एकदम से आ जाती है। अच्छा, और रात को भी दिक्कत होती है सोने में? कुछ नहीं होती है। कैसा लगता है आपको सोने में? नींद पूरी आती है? पूरी आती है रात को, सोते ही नींद आ जाती है। सुबह उठने के बाद कैसा फील करती हैं आप? अच्छा। एनर्जी होता है, कमजोरी कैसे फील होती है? कमजोरी नहीं होती यार, एनर्जी होती है सुबह। और आप कोई दवाइयाँ ले रही हैं? नहीं, दवाई सब बंद है। कब से बंद की दवाइयाँ आपने? 3.5 महीना हो गया। अच्छा, मतलब सर की डाइट चालू करने के बाद दवाई बंद की या पहले से बंद थी? नहीं, सर की डाइट चालू करने के बाद दवाइयाँ पूरी बंद कर दी आपने। हाँ जी। अब वो दवाई के बारे में भी सोचते हैं आप? नहीं। आपको क्या लग रहा है कि आप
ऐसे ही कितने दिन तक चल पाएंगे? जब तक डॉक्टर बोल रहा है तब तक करेंगे आगे। सर के बारे में आपको कैसे पता चला? वीडियो के बारे में, वीडियो से पता चला। सर का बैकअप कैसा था आपका? बहुत अच्छा था। कोई तकलीफ होती थी उनसे बात करने में या उनसे मैसेज लेने में? नहीं। तो उनका सिस्टम कैसा लगा आपको? सिस्टम बहुत अच्छा था। लेकिन कभी फोन पे तो बात होती नहीं थी सर से आपकी? फोन पे नहीं होती, लेकिन ईमेल द्वारा सब बात हो जाती थी। इसमें आपका और कोई सपोर्टर था? मेरे हस्बैंड का सपोर्ट पूरा था, बच्चों का पूरा था। क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? लोगों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि सर की डाइट फॉलो करें, उनका डायलिसिस बंद हो जाए और उनका सेहत अच्छा हो जाए। हिमाद्री पात्रा, मैं कोलकाता से हूँ, वेस्ट बंगाल से। तो कुछ डेढ़ साल पहले मेरा किडनी का प्रॉब्लम हमको पता चला, तो उसके बाद मैं भेलोर गया था, वाराणसी गया था। तो वहाँ पर भेलोर में मेरा डायलिसिस कर दिया है, तो उसके बाद से डायलिसिस चल रहा था, हफ्ते में दो, हफ्ते में तीन, हफ्ते में दो, हफ्ते में तीन। और शरीर भी बहुत बुरा था, एकदम अच्छा नहीं था, बहुत ही दिक्कत में था। तो मेरे फादर सर का वीडियो देखता था, तो एकदम लास्ट में डेढ़ साल बाद एकदम लास्ट में सर के ट्रीटमेंट चालू किया हो, तो एक महीने के अंदर डायलिसिस कम हो गया है और एक महीने का हफ्ते में दो हो रहा था पहले से। तो जिस दिन से मेरा सर का डाइट खाना चालू किया, तो उस दिन से ही मुझे बहुत आराम मिल गया, उस दिन से ही, सच बता रहा हूँ मैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो शरीर भी बहुत रिकवरी होने लगा। उसके बाद डायलिसिस एक हुआ, एक महीने हफ्ते में एक हो रहा था, एक एक करके डायलिसिस हो रहा था। और उसके बाद अभी एक महीना हो गया, टोटल दो महीने में ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, एक महीने हो गया डायलिसिस बंद हो गया टोटल। और लेग एलिवेशन कर रहा हूँ बराबर, और जो बाथटब थेरेपी जो है वो दो घंटा दिन में करता हूँ हर रोज, वो बहुत काम की चीज है। शुरू से तो कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन दो चार दिन बाद से ही बहुत ही आराम मिलने लगा, वेट कम होने लगेगा, यूरिन बढ़ने लगेगा, मैंने अचानक से कोई मैजिक सा हो जाएगा, डायलिसिस टोटल बंद हो जाएगा, शरीर में बहुत इम्यूनिटी पावर आ जाएगा, शरीर बहुत सुस्त हो जाएगा। और मेडिसिन, मैं पहले बहुत मेडिसिन खाता था, सर के ट्रीटमेंट जिस दिन से चालू किया हो उस दिन से ही मेरा मेडिसिन बंद हो गया, और अभी दो मेडिसिन सिर्फ चल रहा है, डायटर और बीटा कैप चल रहा है, तो वो भी कुछ दिन बाद बंद हो जाएगा, मुझे विश्वास है। बाकी मेरा शरीर बहुत ही ठीक है, और हीमोग्लोबिन भी, मेरा ब्लड का लेवल भी बहुत बढ़ चुका है। अभी मैं एक महीना हो गया कोई इरेथ्रोपोटिन इंजेक्शन में लेता था हफ्ते में दो, लेकिन अभी एक भी लेना नहीं पड़ रहा है, एक महीना हो गया है मेरा, बहुत ही अच्छा हूँ। और सबको बोलना चाहता हूँ ये ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छा है। क्या आप अभी डायलिसिस करे, लास्ट डायलिसिस आपका कब हुआ था जब से आप नहीं गए हो? लास्ट डायलिसिस आज का डेट है ना, तो 5/10/2021 है, और लास्ट डायलिसिस में किया हूँ 8/9/2021 लास्ट डायलिसिस, मतलब एक महीना के करीब हो गया है मेरा डायलिसिस, बंद हो गया है, और बंद होकर अच्छा भी हूँ, घर पे बहुत ही अच्छा हूँ। ये नहीं कि मैं कुछ खराब से दिन कट रहा है, बहुत ही अच्छे से दिन कट रहा है मेरा।
डायलिसिस बंद है, बहुत ही अच्छे से दिन कर रहा है।